हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आज हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपकी अपकमिंग एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यावसायिक गतिशीलता की अंतःपीढ़ीगत एवं अंतरपीढ़ीगत अवधारणा किसने दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतःपीढ़ीगत और अंतरपीढ़ीगत दोनों में अंतर होता है, तो ये दी थी लिप्सेट और बैंडिक्स ने। ओके, नेक्स्ट, एक परिवार जहाँ पति और पत्नी दोनों से संबंधित लोग साथ साथ रहते हैं उसे क्या कहते हैं? पति और पत्नी से संबंधित लोग तो उसे कहते हैं विस्तृत परिवार। देखिए, टाइप्स ऑफ फैमिली से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आप ध्यान से टाइप्स ऑफ फैमिली जरूर पढ़ के जाएं। नेक्स्ट, प्रशस्त विवाह है ब्रह्म और प्रजापत्य। नेक्स्ट, हिंदू विवाह के बहिर्विवाह नियम को प्रभावित किसने किया था? तो हिंदू विवाह का जो बहिर्विवाह नियम था उसे प्रभावित करता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। मैच करने में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। नेक्स्ट, भारत में संयुक्त परिवार के विघटन के लिए एक अति उत्तरदायी कारक क्या है? संयुक्त परिवार, जैसे कि भारत में पहले जॉइंट फैमिली पाई जाती थी, बट अब इन मोस्ट केसेस न्यूक्लियर फैमिली है, तो उसके विघटन के लिए एक मेन कारण है इकोनॉमिक। ओके, आर्थिक कारण उत्तरदायी। नेक्स्ट है, अंतरजातीय विवाह करने पर किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना किस चीज का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है नकारात्मक नियंत्रण का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त परिवार को जोड़े रखने में जिम्मेदार कारक क्या रहे हैं? तो वो रहे हैं संयुक्त संपत्ति का चलन और पितृ पूजा। देखिए, जो संयुक्त संपत्ति है, जैसे कि सभी जानते हैं कि जो प्रॉपर्टी होती है वो फैमिली के सबसे बड़े बेटे को या फिर जो बेटे होते हैं उनको मिलती है, तो एक तरीके से जो संपत्ति का चलन है बेटे से बेटे को, तो वो तो इसीलिए संयुक्त परिवार को जोड़े रखने का एक मेन कारण है संयुक्त संपत्ति का चलन और पितृ पूजा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हिंदू धर्म शास्त्रों के अकॉर्डिंग यदि ब्राह्मण कन्या शूद्र पुरुष से विवाह कर ले तो उसे क्या कहेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह। दो क्वेश्चन होते हैं, व्हाट इज अनुलोम विवाह या अनुलोम मैरिज और प्रतिलोम। तो प्रतिलोम तो क्या होगा, जब कोई फीमेल क्या करती है, ये हाई स्टेटस की होती है और कोई मेल क्या होता है, ये लो स्टेटस का होता है, तो जब ये विवाह करते हैं इसे कहते हैं प्रतिलोमा, या फिर इसे आप सिंपली समझ सकते हैं कि कोई कन्या ब्राह्मण परिवार से है और कोई पुरुष शूद्र परिवार से, तो इन दोनों के बीच का जो विवाह होगा ये प्रतिलोमा होगा। ठीक इसका अपोजिट, अगर कोई पुरुष हाई स्टेटस का या हाई कैटेगरी से बिलोंग करता है और दूसरी स्त्री जो होती है वो लो स्टेटस या फिर लो कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो इसे बोलेंगे हम उसका उल्टा अनुलोमा मैरिज। अक्सर एग्जाम में इन दोनों मैरिजेस से क्वेश्चंस जरूर पूछा गया। एक वीडियो बनाई है मैंने, बहुत ही ईजी है, जिसके थ्रू आप इन्हें याद रख सकते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह पे। नेक्स्ट, यजमानी व्यवस्था की विशेषता क्या है? पारिश्रमिक वस्तु में भुगतान कई पीढ़ियों से निरंतरता और सेवाओं की अंतः आश्रिता। जो यजमानी व्यवस्था है, सबसे पहले तो इसे कौन, इस कॉन्सेप्ट को कौन इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो करते हैं विलियम एच वाइजर। ठीक है, तो यजमानी व्यवस्था की ये विशेषताएँ हैं, आप ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कथन ए क्या कह रहा है? जाति और प्रजातंत्र एक दूसरे से पूरक नहीं है, फिर भी भारत पर जाति पर आधारित विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। कारण क्या कह रहा है? भारतीय प्रजातंत्र के सफलतापूर्ण चलने और उसकी प्रगति हेतु जाति पर आधारित मंडलीकृत व्यवहार आवश्यक है। तो बिल्कुल से गलत है ये, तो कथन ए सही है और आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, एक बुक है ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग। इंपॉर्टेंट बुक है ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग, तो ये बुक लिखी थी एडी रॉस ने। ठीक है, नेक्स्ट, हरित क्रांति द्वारा गांव में अनेक परिवर्तन हुए जिसका क्या परिणाम आया? तो
आर्थिक संपन्नता, अंतरजातीय तनाव, राजनीतिक चेतना। देखिए कोई भी रेवोल्यूशन होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव उसके दोनों कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो ये वही है। नेक्स्ट, स्वेट्स एंड अपराध जिसे कहते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम, तो ये किसने दिया था? E.H. सदरलैंड ने। देखिए व्हाइट कॉलर क्राइम क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जितने भी कोई भी प्रोफेशनल है या कोई अच्छे पद पर है तब रख के उस समय वो कोई अपराध करता है तो उसे कहते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम। ठीक है, जैसे कि घूस लेना, तो ये एक क्या होता है, व्हाइट कॉलर क्राइम होता है। नेक्स्ट, अब कुछ बुक्स हैं और उनके लेखक हैं, ध्यान से देखेंगे, ये सब मैच्ड है पर आपको उनको याद रखना है। अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, दिस बुक बाय A.J. टॉयनबी, द सोशल ऑर्डर, रॉबर्ट बीरस्टेड, इंपॉर्टेंट है। द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, डेनियल बेल, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर बाय C.H. कूले, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अब कुछ अवधारणाएं दी गई हैं और उसके विचारक हैं। सामाजिक तथ्य, ये दिया था दुर्किम ने। संरचनात्मक अवकुल, अवलोकनीयता, मर्टन, भ्रांत, तर्क, पैरेटो। सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गति दी बाय ऑगस्ट कॉम्ट। सामाजिक क्रिया के निर्वचनात्मक अवबोध को समाजशास्त्र लक्ष्य मानता है, मैक्स वेबर ने ये कहा था। नेक्स्ट, रोल सेट क्या है, भूमिका संकुल क्या है, एक ही व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों से संबंधित जो भूमिकाएं होती हैं उसको कहते हैं भूमिका संकुल। नेक्स्ट, एक व्यक्ति जो अकुशल श्रमिक से कुशल श्रमिक बनता है उसे संबोधित किससे करते हैं, उसे हम कहते हैं लंबवत सामाजिक गतिशीलता। देखिए इजीली आप इसे कैसे याद कर सकते हैं, सोशल मोबिलिटी को, एक व्यक्ति है वो क्या है, अनट्रेंड लेबर है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, सब कुछ सीख के अच्छा एक लेबर बन जाता है, तो एक तरीके से उसका ऊपर की तरफ विकास हो रहा है। लंबवत मतलब ऊपर की तरफ, वर्टिकल है ना, तो ऊपर की तरफ विकास होना मतलब लंबवत। अगर वो कुशल से अकुशल हो जाए तब वो हो जाएगा अलग। नेक्स्ट, भारत में आजकल युवा अंति सक्रियता का प्रमुख कारण क्या रहा है, तो परिवार एवं शैक्षणिक संस्थाओं का प्रभावकारी ना होना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं, तो सहयोग और अनुकूलन, ठीक है। नेक्स्ट, विशेषात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्री कौन है, तो जॉर्ज सिमिल और स्मॉल। 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में मलिन बस्ती जनसंख्या में सबसे अधिक है तो वो मुंबई नगर में है और मुंबई नगर के धारावाही में है, ठीक है। नेक्स्ट, मेडिकल सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी थी, तो मेडिकल सोशियोलॉजी दिस बुक रिटन बाय डेविड मैकेनिक। नेक्स्ट, ऑकबर्न का सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत, कल्चरल लैग किस चीज़ को व्यक्त करता है, जब नॉन मटेरियल कल्चर मटेरियल कल्चर से पीछे छूट जाता है, अभौतिक संस्कृति का भौतिक संस्कृति से पीछे छूट जाना। सिंपली आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारा कल्चर पीछे छूट जाता है और हम भौतिक रूप से काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं, हम मोबाइल्स, टेलीफोन, लैपटॉप्स, इन सब का यूज़ कर रहे हैं, नेट का यूज़ कर रहे हैं, बट हम अपने कल्चर को पीछे छोड़े जा रहे हैं, तो हमारी जो भौतिक अभौतिक संस्कृति है इस चीज़ से पीछे हो रही है, तो दिस इज़ अ कल्चरल लैग। नेक्स्ट, समाज का वर्गीकरण संघर्षशील और औद्योगिक रूप में किसने किया था, तो वो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, ओके यहाँ तक हो चुका था। नेक्स्ट ये है, समाज सजातीयता एवं विजातीयता की ओर अग्रसर हो रहा है, तो ये किसने कहा था, हर्बर्ट स्पेंसर ने। भारत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने 1964 में एक विशेष आयोग बनाया था, तो वो आयोग था कोठारी आयोग। हिस्सेधारी निर्धनता व्यवस्था की अवधारणा दी थी क्लिफोर्ड ग्रिड्स ने। कथन है फिर से, दबाव समूह प्रेशर ग्रुप्स लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, क्योंकि दबाव समूह मतदाताओं के नियंत्रण में होते हैं, तो बिल्कुल गलत है। प्रेशर ग्रुप कहाँ मतदाताओं के नियंत्रण में होते हैं, तो आर वाला तो बिल्कुल गलत हो गया और ए एकदम सही हो गया। तो ये क्वेश्चन थे वन लाइनर, इस तरीके से मैं आपको वन लाइनर और MCQs काफ़ी सॉल्व करवाती रहूँगी, ताकि आपके नेट एग्ज़ाम में या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपको ये बेनिफिशियल रहेगा। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक्स, एंड इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी।